हेलो फ्रेंड्स आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फोमेंटेशन को आ, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोमेंटेशन ऑन द बेस ऑफ कल्चर मीडिया यानी सॉलिड स्टेट सरफेस और सबमर्स्ड फोमेंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोमेंटेशन बेस्ड ऑन कल्चर मीडिया पहला सबर्स्ट फर्मेंटेशन दूसरा सॉलिड स्टेट फर्मेंट स्टेट फर्मेंटेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सबर्श फर्मेंटेशन मतलब कोई चीज़ जो डूबी हुई है इन समर्स्ट फर्मेंटेशन वी यूज अ डिजॉल्व सबस्टेट हम उस अब जो अपना सब्स्टेट यूज़ करेंगे वो कैसा होगा लिक्विड मीडियम में होगा जो सस्पेंडेड होगा बहुत सारी लिक्विड मीडिया में समर्श फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है पिकलिंग वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग योगर्ट बियर वाइन इसमें जो मीडिया यूज़ होती है ना वो लिक्विड होती है मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है समर्श फर्मेंटेशन का वो यही है कि इसके अंदर जो सबस्ट्रेट यूज़ होगा सबस्ट्रेट वो किसके अंदर होगा मीडिया लिक्विड ब्रॉथ में फिर ये जो है ना समर्श फर्मेंटेशन ये दो तरीके से होता है एरोबिक और इनॉर्बिक सॉरी एरोबिक और इनरोबिक Uh, जैसे कि एस्पर्गलस नाइगर के द्वारा सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन एरोबिक है और योगर्ट का प्रोडक्शन एनोरॉबिक जब हम सबमर्ज फर्मेंटेशन को फ्लास्क के अंदर करते हैं उसको कंटिन्यूस शेक करते रहते हैं तब सबमर्ज फर्मेंटेशन क्या कहलाते हैं शेक फ्लास्क फर्मेंटेशन तो समर्स फर्मेंटेशन में इतना ही है कि जो फर्मेंटेश फर्मेंटेशन होगा वो ओ टू की प्रेजेंस में होगा और इसमें जो माइक्रोब्स यूज करेंगे हम वो लिक्विड ब्रॉथ जो हमें मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि सबस्टेट सस्पेंडेड होगा लिक्विड ब्रॉथ में और प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और बना देगा और साथ ही साथ सीओ टू भी रिलीज होगी सेकेंड हमारा है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन जैसे कि हमने पढ़ा समर्स फर्मेंटेशन तो लिक्विड ब्रॉथ में होता है पर जो सॉलिड स्टेट होता है ऐस जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है ये ऐसी कंडीशन में होता है जहाँ बिल्कुल पानी ना हो या फिर थोड़ा पानी हो सॉलिडनेस ज़्यादा हो तो इस तरह के फर्मेंटेशन को बोलते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में लो मॉइस्चर लेवल होना चाहिए स्मॉलर रिएक्टर वॉल्यूम होता है इसका और लो इसका कॉन्टामिनेशन रहता है क्योंकि मॉइस्चर भी कम रहता है ईजी प्रोडक्ट भी सेपरेशन इसमें आसानी से हम कर लेते हैं एग्जाम्पल है इसके मशरूम कल्टिवेशन ब्रेड मेकिंग ये सब सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन द्वारा होता है अब सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में सबस्ट्रेट का चयन करना एक बहुत अहम बात है सबस्ट्रेट जो हम सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के लिए लेते हैं वो सॉलिड मटेरियल होना चाहिए नॉन सॉलिबल फिजिकल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होना चाहिए मतलब सबस्ट्रेट जो होना चाहिए ना वो सॉलिड होना चाहिए सबस्ट्रेट कुड बी नेचुरल अकरिंग सॉलिड सबस्ट्रेट जैसे कि एग्रीकल्चर क्रॉप आप ले सकते हो एग्रो इंडस्ट्रियल का रेसिड्यू ले सकते हो अब एग्जांपल है इस सबस्ट्रेट के वीट ब्रेन वीट ब्रेन टी टी वेस्ट एट्सट्रा और रॉ मटेरियल आप यहाँ पे सबस्ट्रेट को यूज़ कर सकते हो अब सॉलिस्टेट फर्मेंटेशन को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं वाटर एक्टिविटी टेम्परेचर एयरेशन ये तीन चीज़ें इफेक्ट करती है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन को सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के एडवांटेजेस की बहुत सिंपल प्रोसेस होता है हाई हमें प्रोडक्टिविटी देता है लो कॉस्ट मीडिया चाहिए लो एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए और लो वेस्ट वाटर आउटपुट क्योंकि वाटर का इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट भी लो होगा और फोमिंग की भी कोई दिक्कत नहीं रहती है डिसेंबल द नेचुरल हैबिटेट ऑफ फंजाईन बैक्टीरिया डिसेम्बल्स कर जाता है ईजी या डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस उसे एक्सट्रैक्शन भी ईजी होता है और डिसएडवांटेज ये है कि माइक्रोबिल ग्रोथ स्लो होता है हीट को बिल्डअप कर पाना एक डिफिकल्ट टास्क रहता है बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन हो सकता है और सबस्ट्रेट प्रॉब्लमेटिक रहता है यहाँ पे मॉइस्चर की वजह से तो सबस्ट्रेट हमारा सॉलिड होना चाहिए ये याद रखना है थैंक यू